हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैपनीज एनीमे मूवी जिसका नाम है ए साइलेंट वॉइस। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। वो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना, और अगर ज्यादा पसंद आया तो प्लीज शेयर भी कर देना। और अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो, जो कि एकदम फ्री है, सिर्फ नीचे जो सब्सक्राइब उसे दबा देना, और साथ ही जो बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको मैक्सिमम सिटीज ऐसी देखने को मिलेगी जो बहुत ज्यादा क्लीन है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वो ये कि वहां की जो गटर होती है, उन गटर में आपको कोई फिश नजर आएगी, और वो गटर का पानी इतना साफ है कि मतलब अगर मैं ग्लास में भर के बता दूंगा आपको, तो आप लोग ये पहचान नहीं पाओगे कि ये गटर का पानी है कि कोई मिनरल वाटर है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस मूवी के रिव्यू में, वो इसलिए कि भाई यहाँ पर आपको कोई फिश देखने को मिलती है, तो इसलिए कोई फिश से रिलेटेड मैं एक न्यूज बताना चाह रहा था आपसे। खैर, बैक टू दिस मूवी। तो इस मूवी में आपको दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, एक तो इशिदा और दूसरा निशिमिया। अब ये दो कैरेक्टर हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स है, इनके इर्द गिर्द पूरी कहानी लिखी गई है। लेकिन इसके अलावा आपको और भी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे इस मूवी में, जो आपके इजिली फेवरेट हो जाएंगे। खैर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कहानी की। खैर, कहानी शुरू होती है एलिमेंट्री स्कूल से, जहां पर हमें सिक्स ग्रेड में नजर आता है इशिदा। अब इशिदा की क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है निशिमिया। अब निशिमिया की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो ना ठीक से बोल पाती है, ना ही वो ठीक से सुन पाती है, और इसी वजह से वो बाकी स्टूडेंट्स लोगों से या तो फिर वो बुक में लिखकर या तो फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करती है, उन लोगों से बात करती है, और इसी बात का मजाक उड़ाता है इशिदा और उसके दोस्त लोग। और मजाक इशिदा इस लेवल तक लेके जाता है कि बिचारी निशिमिया एक दिन स्कूल छोड़कर ही चले जाती है। लेकिन इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब देखिए, ये मूवी ऐसी है कि इसके बारे में जितना भी बात करूंगा ना, उतना मैं स्पॉयलर्स आपको दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ दो घंटे की मूवी में आपको कहीं से भी स्पॉयलर्स मिले। जब आप इस फिल्म को स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसी जर्नी पे लेके जाएगी, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर्स के बीच में आप खुद को महसूस करोगे, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, उनकी जो जो चीजें वो आपको ऐसा लगेगा ये सब चीजें मेरे अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी से इजीली कनेक्ट हो जाओगे। और स्पेशली ये मूवी मैं तो बोलूंगा जितने भी प्रेजेंट में अभी स्टूडेंट्स उन लोगों को देखना चाहिए, और जिन लोगों ने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ जी चुके हैं, तो उन लोगों के साथ भी ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो जब उन लोग इस फिल्म को देखेगा तो इजीली इनसे कनेक्ट कर लेंगे। और ये फिल्म काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाती भी है, स्पेशली उन लोगों को जो डिप्रेस फील कर रहे हैं या तो फिर सोशल एंजाइटी के शिकार है, उन लोगों को ये फिल्म काफी हद तक मोटिवेट करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज डायरेक्टर ने दिया है ना, वो मैसेज ये है कि भाई देखो, किसी को माफ करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होना, फिर सामने वाले से माफी मांगना, ये उससे भी बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें आपको ये फिल्म में देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा मैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करूँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इशिदा की। अब इशिदा के कैरेक्टर को इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि स्टार्ट में आपको उस कैरेक्टर से थोड़ी बहुत हेट होती है, लेकिन जैसे तो वो कैरेक्टर डेवलप होता है, मतलब अलग ही सिंपैथी उस कैरेक्टर के लिए आ जाती है। और मैं खुद भी सोचा था कहीं ना कहीं इशिदा में जो जो चीजें हैं वो पर्सनली मेरे अंदर भी है, और कहीं ना कहीं मैं भी उसको देख कर गिल्ट महसूस कर रहा था। उसके अलावा अब बात करते निशिमिया की, तो निशिमिया ना ही ठीक से बोल पाती, ना ही ठीक से सुन पाती है, लेकिन उस कैरेक्टर को इतना दिल से इसमें लिखा गया है कि मतलब उस लड़की से आप इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कि लिटरली उसके हर एक सीन आपके आंखों में आंसू लेकर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग खुद से कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जोरो, नाकासुका, सहारा, कवाई और यूएनओ, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर जो पर्सनली मुझे इस मूवी में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। यानी यहाँ पर हर एक कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिनके बिना ये फिल्म नहीं होती। अगर उसके अलावा नागासुका की बात करूं, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखकर मुझे मेरे अपने दोस्त की याद आ गई। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त होगा तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, आपको सही गलत में आपका साथ देगा, आपको हमेशा समझाएगा, आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। तो बस कुछ इसी तरह से नागासुका के कैरेक्टर को भी लिखा गया। अब बात करें इस फिल्म के एनिमेशन की, तो देखिए इसके जितने भी एनिमेशन थे मुझे पर्सनली अच्छे लगे। ऑल्दो मुझे एनिमेशन के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है नहीं, ना ही मैंने इतनी एनिमे सीरीज या मूवीज देखा हो, जितनी भी देखा हो मैंने बस उसका रिव्यू किया हो, तो मैं अभी तो इसमें बहुत ही जीरो, लेकिन कुल मिला के मुझे कहीं से भी कोई खामी लगी नहीं। उसके बाद इस फिल्म के बीजीएम की बात करूं, तो मैं आपको इतना तो डेफिनेटली कह सकता कि ये ऐसा साइलेंट बीजीएम मैंने अपनी लाइफ में सुना जो आपको कोई मूवमेंट में रुलाएगा, कोई मूवमेंट में आपको ऐसी दुनिया में लेके चले जाएगा जो मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये फिल्म ही मैं तो बोलता हूँ कि मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल वाली फिल्म है। जैसे ये फिल्म स्टार्ट होती है, ये धीरे धीरे आगे तो बढ़ती है, लेकिन कब इस फिल्म में आप पूरी तरह से खो जाओगे ये आपको पता तक नहीं चलेगा। अभी फिल्म तो मैंने पिछली रात को देखा था, लेकिन अभी तक मुझे हर एक कैरेक्टर, हर एक सीन याद आ रहा है। और मतलब एक सीन तो ऐसा है जहां पर मतलब मैं खुद इमोशनल हो गया था। वो सीन के बारे में यहाँ पर मैं स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में चल रहा था। और वो सीन मैंने जब इस फिल्म में देखा हो, तो लिटरली मतलब मैं एकदम, मतलब यार आज वर्ड्स नहीं मेरे बताने के लिए।
अब बात करते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, जो कि मुझे एक इम्पोर्टेंट पार्ट लगा इस पूरी मूवी का। हर एक सीन यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि मतलब वो आपके जहन में चलता रहता है। अब मैं आपको बता रहा कि पूरी मूवी खत्म होने के बावजूद भी आप इस मूवी से निकल नहीं पाओगे। मूवी की अगर राइटिंग की बात करें तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आज तक मैंने जितनी भी एनिमे सीरीज या मूवीज देखा तो उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। वो स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी कहानी पे पूरी तरह से अटैच रहते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं से भी खत्म ना हो। और ऑल्दो मुझे पता है कि एनिमे जो सीरीज है या मूवीज हमारे इंडिया में बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से इतना बोलूंगा कि इस मामले में हमारे इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको आपको एक अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना है, अच्छी कहानी देखना है, अच्छे बढ़िया एक्शन देखना है, तो आप लोग को एनिमे सीरीज या मूवीज देखना पड़ेगा। और बात करते इस मूवी की तो ये मतलब बोलते हर एक इंसान को देखना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी एडल्ट चीज देखने को नहीं मिलेगी, या आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हो। और ये तो आप हिंदी में अवेलेबल है, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उस चैनल पे जरूर जाना, वो चैनल बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज को अपलोड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि आप लोग अगर कोई एनिमे मूवी हिंदी में देखना चाहते हो तो आप वहां से देख सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।